मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द वीलॉग। सुबह के बज रहे हैं 8:40 और हम थोड़ा सा लेट चल रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर डॉटर। सुबह नींद तो खुल गई थी लेकिन बच्चा यार बहुत आलस कर रहा था, तो उसको तैयार करते करते लेट हो चुके हैं। फिलहाल उसको स्कूल ड्रॉप करने की तैयारी करते हैं, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट पैक कर देते हैं, बच्चे को भी रेडी कर देते हैं प्रॉपरली। वो जिद कर रही है कि उसको जैकेट नहीं पहनना क्योंकि उसको गर्म लगने लग गया है। अब मैं उसे क्या समझाऊँ, अगर मैं तेरे को जैकेट और स्वेटर पहन के नहीं भेजूंगा ना स्कूल तो उसकी टीचर्स मुझे डांटेंगी। अच्छी खासी ठंड है और आज शायद तक ओस नहीं गिरी है, हल्की फुल्की ओस ही गिरी है। थोड़ा सा वेदर में शिफ्ट आया है एंड दैट इज़ उसे ऑब्जर्व कर सकते हो, उसे महसूस कर सकते हो। चलो कल बच्चे को रेडी करते हैं, फिर आप लोगों से मुलाकात भी करते हैं। जब से थोड़ा मॉडर्नाइजेशन हुआ है ना, टाइम हो रहा है सुबह के 10:30। बच्चे को स्कूल ड्रॉप कर दिया है, प्रोविजन स्टोर का काम निपटा दिया है, अब आ गए घर। छत के प्लांट्स पे, फर्स्ट फ्लोर के प्लांट्स पे पानी डाल देते हैं, उसके बाद में नहाना धोना करते हैं, तैयार हो जाते हैं। दोपहर के बाद 2-3 सेल्स कॉल का प्लान बना रहा हूँ, देखूँ एक्सिक्यूट कर पाता हूँ कि नहीं, क्योंकि अब कल 26 तारीख, ठीक है, अपना रिपब्लिक डे, उसके बाद में सैटरडे संडे कुछ खास काम नहीं होगा। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि आज दोपहर के बाद कम से कम दो सेल्स कॉल तो मार रहे हैं। प्रतीक से मिलना है और विनोद को सुहेल से मिलवाना है। सो दो सेल्स कॉल कंफर्म है, ओवर द फोन एक बार अपॉइंटमेंट्स ले लेते हैं। बाकी तो क्या बोले यार, जैसे मैंने बताया था कल, कुछ इंक्वायरीज के लिए रेट्स दे के रखे हैं, अगर क्लिक हो जाता है तो वेल एंड गुड, कीपिंग फिंगर्स क्रॉस। बाकी अभी फ़िलहाल मेरा फोकस यही है, जो अपना बॉम्बे वाला ट्रिप है उसकी तैयारी करनी है। एक बार चेक कर ले क्या स्टेटस है अपने विजिटिंग कार्ड्स का, अगर क्वांटिटी है तो गुड इनफ, अगर नहीं है तो दिल्ली ऑर्डर कर दे और मंगवा दे, क्योंकि मेरी कंपनी की सारी स्टेशनरी जो है वो दिल्ली से आती है, मतलब कि सारी की सारी लेटर हेड, आइडेंटिटी कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड्स, सब कुछ दिल्ली से ही आता है। एंटायर शो इज़ मैनेज फ्रॉम दिल्ली। चलो देखें प्लांट्स का क्या हाल है। बाकी 2-3 दिन से गरिमा ट्यूशन जा रही है, उससे एक बेनिफिट ये मिल जाएगा, जो भी उसका कोर्स छूटा है उसका रिवीजन जो है वो ट्यूशन में ही हो जाएगा। होमवर्क से रिलेटेड मेहनत मुझे और सोनाली को करनी पड़ेगी, बट दैट इज़ ओके एज लॉन्ग एज गरिमा के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अभी 2-3 दिन से जा रही है, एक बार जब ग्रूव में आ जाएगी तो आई एम प्रीटी श्योर अपना जो कोर्स उसका मिस आउट हुआ वो सारा कवर अप कर लेगी। टाइम हो रहा है दोपहर के 12:15 और हम बच्चे को लेने के लिए निकल चुके हैं, थैंकफुली आज टाइम पर हैं। और कल जिस हिसाब से बच्चों को छुट्टी मिली है, 12:35 के आसपास ही छोड़ा है टीचर्स लोगों ने, तो अपन आराम से पहुंच जाएंगे। ओके, दोपहर के बाद सेल्स कॉल का प्लान है, वो तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, उसके अलावा देखते हैं और क्या क्या निपटा सकते हैं मार्केट के काम। लास्ट मंथ मेरा IDBI का ATM कार्ड आ गया था जो मैंने अभी तक एक्टिवेट नहीं किया, अगर आज मार्केट जाता हूँ पोस्ट लंच तो आई विल मेक श्योर कि मैं अपना ATM भी एक्टिवेट कर दूँ।
उसके अंदर पीछे बैठा था। टाइम रहा शाम के 4:15, हम जा रहे हैं बच्चे को उठाने के लिए क्योंकि उसे ट्यूशन भेजना है। यस ट्यूशन ट्यूशन ट्यूशन। बच्चे को ड्रॉप करके तो आ गए हैं ट्यूशन। शाम को उसको उसके बड़े पापा के यहाँ लेकर जाना है। मिसेज ने बोला बड़े दिन हुए चक्कर नहीं लगाया। मैंने बोला कोई बात नहीं चलते हैं, थोड़ा सा वीडियो एडिट करना बाकी है और अपलोड करना, वो कर देते हैं फिर तैयारी करते हैं, शाम को बाहर निकलेंगे। अरेंजमेंट हो गया, फंड्स का पता लग गया। शाम के 7:15 और हम आ चुके हैं बड़े पापा के घर बड़े दिनों बाद। यस बड़े दिन बाद, थोड़ा लेट हो गए, हमसे 1/2 घंटा पहले आना चाहिए था लेकिन गरिमा ने हद मचा दी हद। बताता हूँ थोड़ी देर में। दिवाली के बाद ऑलमोस्ट 9 बजने को आए, अब आ रहे हैं अपने घर बड़े पापा का घर तो हुआ है। 2-3 दिन छुट्टी आ गए, मैंने मिसेस को बोला है एक चक्कर अपने मामा लोग के यहाँ भी लगा लेंगे, उनसे भी मिल लेते हैं, उन लोगों का भी स्टेटस जान लेते हैं क्या चल रहा है नया ताज़ा उनकी लाइफ में, क्योंकि 20 ईयर्स से हमारा एक वेसल लग जाएगा मुंद्रा में तो अपनी रेगुलर ड्यूटी वहाँ भी चालू हो जाएगी एटलीस्ट जब तक वो वेसल रहेगा। सो माइट एज़ वेल छुट्टी के दिन आए इसका कुछ यूटिलाइजेशन करते हैं। बाकी क्या प्यारा लग रहा है चांद यार, फुल ब्राइट, मतलब नो पोल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर। Naughty, naughty boy, naughty, क्या देख रहा है हाँ? Naughty, naughty, oh, ये क्या है, ये naughty का खाना है, खाना खाएगा naughty। जब हम लोग नॉडी को लेकर आए थे तो डॉक्टर लोगों ने बहुत क्लियरली बता दिया था उसको क्या देना है क्या नहीं देना है, एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमको डॉग को नहीं देना है। सो ही बेसिकली हैज़ मील 4 times a day, 2 times वो कर्ड राइस खाता है, प्लेन कर्ड राइस नथिंग एल्स, और 2 times वो डॉग फीड लेता है जो हम हल्का सा गुनगुना पानी डाल के देते हैं उसको। अब वो सबर नहीं कर सकता, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, लेकिन वी मेक श्योर कि वो जो गर्म पानी है वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब हम उसको खाना दें। इतना सा भी उसमें पेशेंस नहीं है, इतना भी वो वेट नहीं कर सकता। मैंने बोला ना बहुत शैतान हो गया ये। बालक टाइम और रात के 11:30, खाना पीना हो चुका है अपना, उम्मीद करता हूँ आप लोग का भी हो गया हो। मेरा गला बैठने वाला है 100% अब तो, कल या परसों में ऑलमोस्ट आवाज़ शायद चोक भी हो जाए।
ओके सीन कुछ इस प्रकार है, शाम को बड़े पापा के यहाँ गए थे, वहाँ से आ गए, खाना पीना किया, नॉडी के साथ थोड़ी देर खेला है, डैड से बातचीत कर रहे थे आगे का वीक का क्या प्लानिंग रहेगा, उस हिसाब से डिप्लॉयमेंट का अरेंज करना पड़ेगा। बाकी देखें कल का दिन कैसे निकलता है। उसमें मिसेस को बोल दिया है मॉम से एक बार डिस्कस कर लेना, मामा लोगों के घर भी एक चक्कर लगा लेंगे, एंड आई हैव टोल्ड द लेडीज ऑफ माय हाउस टू प्लान अकॉर्डिंगली। यही है, 28-29 तारीख से हमारे वेसल चालू हो जाएंगे मुंद्रा में, उसके हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। तबीयत ठीक हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो भैया ऐसी तबीयत के साथ ही जाना पड़ेगा। ओके आज के दिन में ऑलमोस्ट हमारी रिपोर्टिंग से रिलेटेड जो पेंडेंसी है वो कंप्लीट हो गई है थैंकफुली। एक आधा रिपोर्ट से प्रिंट करना बाकी रह गया, दैट्स अबाउट इट। बाकी पेंडेंसी यस हमने कंप्लीट कर दी है, एंड द बेस्ट थिंग इज़ बस बिलिंग बाकी रह जाएगा, वो करवा देंगे। बाकी क्लाइंट लोग पता नहीं क्यों यार पेमेंट निकाल नहीं रहा, मतलब कि काफ़ी सारी पेमेंट्स हमारी डॉट की पड़ी है, एंड आई डोंट नो भैया उसका आउटकम क्या रहेगा। थोड़ा हार्ड टाइट हो रहा है फंड से रिलेटेड, वील रिक्वेस्ट आवर क्लाइंट्स पेमेंट कर दो, नहीं तो भैया देखते हैं क्या होता है। एनीवेज गाइस गुड नाइट फॉर नाउ, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर कंटेंट, आई विल सी यू टुमॉरो, बाय।